दोस्त, आज हम आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए यह बताएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। अब तक के दोनों वीडियो की लिंक नीचे दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है। नंबर एक, बीटेक अर्थात बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर दो, बी अर्थात बैचलर इन इंजीनियरिंग। नंबर तीन, बीसीए अर्थात बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नंबर चार, बीएससी आईटी अर्थात बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नंबर पाँच, सीएस डिप्लोमा अर्थात कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा। दोस्त, इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा में पास होना जरूरी होता है, जहां बैचलर डिग्री कोर्स जैसे कि बीटेक बी के लिए साइंस में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित में 50% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास होना अनिवार्य होता है। बीसीए बीएससी आईटी कोर्सेज में एडमिशन के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास करने वाला छात्र नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के साथ उत्तीर्ण छात्रों को ही इसमें प्रवेश मिलता है। मगर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें किसी भी विषय से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश मिल जाता है, किंतु उन्हें कॉलेज स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा अर्थात एंट्रेंस एग्जाम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है। आप भारत के किसी भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से भी सीए बीएससी आईटी वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार रेगुलर या डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री हासिल कर सकते हैं। हमें आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।